हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफपी की रसोई। आज हम बहुत ही डिलीशियस, मुंह में पानी ला देने वाली रेसिपी, लौकी का हलवे की रेसिपी लेकर आए हैं। ये है लौकी का हलवा। अगर आपने पहले इसको ट्राई नहीं किया है तो सुनकर बड़ा अनयूजल सा लग रहा होगा कि लौकी का हलवा भी होता है, लेकिन ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। अगर आप बनाते रहते हैं तो इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिए। बहुत ही डिफरेंट तरीके से लौकी का हलवा बनाया है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं लौकी का हलवा, तो सबसे पहले हम लौकी को प्रिपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं, दो स्मॉल साइज की मैंने लौकी ली है, 600 ग्राम्स की हैं। लौकी को धोकर अच्छे से साफ कर लें और पीलर की हेल्प से इसका छिलका अलग कर लेते हैं। लौकी को छीलकर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम दो भागों में कट कर लेते हैं। अब आप एक ग्रेटर लें, छोटा या बड़ा, बारीक साइज का या मोटे साइज का, आप कोई भी ग्रेटर ले सकती हैं। इसका अब हमें पेल निकालना है, बीज वाला हिस्सा हमें इसको बचा देना है। देखिए, इस तरह से हमें बीज वाला हिस्सा अलग कर देना है। सभी हम ग्रेट कर लेंगे लौकी को। सारी लौकी हमने ग्रेट कर ली है, आप देख रहे हैं, और इसका ये वाइट वाला पार्ट हमने अलग निकाल दिया है, इसको अब हम अलग कर देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें हमने जो लौकी को ग्रेट किया है उसको इसमें डाल देते हैं। लौकी को बहुत ज़्यादा बारीक ग्रेटर में ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखें कि बीच वाला पोर्शन इसमें नहीं डालना है। अब इसको हल्का सा चलाएंगे और इसको हम दूध में पकाएंगे। लौकी को हल्का हल्का चलाते हुए इसका लौकी का पानी हमें ऑब्जर्व करना है। जैसे ही पानी ऑब्जर्व हो जाएगा, इसमें हम दूध डालेंगे। दूध डालकर पकाएंगे हम लौकी को। तो लौकी को अब चलाते हुए एक दो मिनट हो गए हैं और इसका पानी भी ऑब्जर्व हो गया है। इसमें अब ऐड करेंगे हम एक कप दूध। दूध डालकर लौकी को अब हम कुक होने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देते हैं और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे और इसको लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक इसको कुक होने के लिए रख देते हैं। तब तक इसको हम कवर कर कर छोड़ देते हैं। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गई हैं। दूध की नमी अभी इसमें बनी हुई है, इसलिए अब इसको हम ओपन कर कर कुक करेंगे। इसमें अब ऐड करेंगे एक चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए इलायची पाउडर डालना ज़रूरी है, क्योंकि इलायची पाउडर के बिना कोई भी हलवा अधूरा है। लौकी कुक होकर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसमें ऐड करेंगे एक कप चीनी और चीनी डालकर इसको एक साइड में लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देते हैं। अब दूसरे गैस पर हम एक पैन लेंगे, उसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। इस पैन में अब ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे। कुछ काजू और बादाम हमने कट कर लिए हैं, उनको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। इसी में मैं डाल देती हूँ एक चम्मच किशमिश। इन सबको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। देखिए, अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब इनको प्याली में हम निकाल लेते हैं। अब दूसरे चूल्हे की ओर चलते हैं, जहाँ पर हलवा पक रहा है। देखिए, अब चीनी का जो पानी था हलवे में, वो खुश्क हो गया है। लौकी अच्छे से कुक हो गई है, अच्छे से घुट गई है। आपने अभी ये रियलाइज़ नहीं किया, हमने इसमें घी नहीं डाला है। अब यहाँ पर हम इस स्टेज पर डाल देते हैं दो चम्मच देसी घी। घी डालकर जब हम लौकी को भूनेंगे तो लौकी के हलवे में एक बहुत अच्छी सी शाइनिंग आएगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
अब मैं इसमें जो रोस्ट किए हुए नट्स थे वो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ और इसको इसमें मिला लेते हैं। कई लोग जब लौकी का हलवा बनाते हैं तो इसमें फूड कलर ऐड कर देते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है। अगर आपको फूड कलर डालना है तो आप डाल सकती हैं। हलवा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए बहुत से लोग इसमें मावा ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाली है रबड़ी। रबड़ी डालकर आप इसका टेस्ट बढ़ा सकती हैं। रबड़ी या मावा डालने से हलवे का टेस्ट दुगना हो जाएगा। आप इसमें रबड़ी या मावा ज़रूर डालें। जैसे ही हमने गरम हलवे में रबड़ी को डाला, रबड़ी इसमें मिक्स हो गई है। आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा कलर हलवे का बनकर तैयार हुआ है। हलवे को प्लेट आउट करते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आए। अब इसको हम पिस्ते से गार्निश करेंगे। थोड़ी सी रबड़ी और लगा देते हैं हलवे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। गर्मा गर्म लौकी का हलवा तैयार है। एंजॉय कीजिए।